हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में केपी फूड्स एंड व्लॉग में। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सबकी बहुत फेवरेट है और आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग भी है। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज, और वो भी एकदम डिफरेंट स्टाइल में। आज की मोमोज की रेसिपी तो बिल्कुल ही सिंपल है। आज हम बनाएंगे सोया मोमोज, और उसका जो शेप है वो देख के आप उसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कलर वाले मोमोज बनाने हैं। रेड कलर के मोमोज बनेंगे तो इसके लिए हमें नेचुरल कलर चाहिए, जो हम बीट रूट से लेंगे। आप बाज़ार से फूड कलर भी ले सकते हैं, बट वो हेल्दी नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बीट रूट का यूज़ किया है। बीट रूट का जो यूज़ है ना, वो हेल्दी भी होगा और अपना मनपसंद कलर भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में घिस लें, या फिर आप उसे चॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे बीट रूट को ग्रेट कर लिया है और कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें डालूंगी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि पानी को डालने के बाद हम इसे बॉइलिंग पे चढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारा जो बीट रूट है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर इसे हमें पकाएंगे, उसके बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे चला चला के ठीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बीट रूट का जो पानी है वो बिल्कुल गल आ गया है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं हमें रेड कलर एकदम सुंदर सा मिल गया है। अब ये पानी गर्म है और कलर भी इसमें है, तो अभी हम इसको गर्म गर्म ही इसे हम मैदे को गूंथ लेंगे। ठीक है, कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मैदा ले लेंगे। आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितना आपको मोमोज बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 कप के अकॉर्डिंग मैदा ले लिया है, और अब हम इसे इसी गर्म पानी से, कलर वाले बीटरूट के पानी से ही इसे हम गूंथेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी। अब ये जो पानी है बीटरूट का पानी, उसे हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। धीरे धीरे करके से डालें, क्योंकि ये गर्म है तो इसे चम्मच से ही मिलाएंगे। ठीक है, हाथों का यूज़ ना करें, नहीं तो हाथ थोड़े से जल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। मैदे को हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है। ठीक है, लेकिन रोटी से थोड़ा सा टाइट करना है, क्योंकि हम इसे टाइट गूंथेंगे तभी हम इसे पतला पतला बेल सकते हैं। ठीक है, शीट अगर पतली होगी तो हमारा जो मोमोज है वो ट्रांसपेरेंट होगा। चूँकि ये मैदा है तो इसे हमें थोड़ा सा मसल मसल कर थोड़ी देर तक इसे हमें गूंथना होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं मैदे से बीटरूट के पानी से थोड़ा सा इसका कलर जो है वो फेड हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा बीटरूट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एकदम रेड कलर चाहिए। मुझे यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर ही चाहिए था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम बीटरूट का यूज़ की हूँ। इसे थोड़ा सा मसल मसल कर अच्छे से 5 से 10 मिनट गूंथ लेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से रेस्ट पे छोड़ेंगे, क्योंकि मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 मिनट तक इसे हम रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छे से मसलने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर से मसल सकते हैं, या फिर रेस्ट में रख देंगे और रेस्ट से बाद में उसे हम थोड़ा सा ऑयल दे के फिर से उसे हम मल लेंगे। इसे हम रेस्ट पर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे फिलिंग के प्रोसेस पे, फिलिंग बनाने के प्रोसेस पे। पहले हम पैन में पानी को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। उसके बाद हम इसमें सोया चंक्स को डाल देंगे। सोया चंक्स डाल के इसे हम 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी में, बॉइलिंग पानी में भी इसे हम डाल के छोड़ सकते हैं 10 से 15 मिनट तक, या फिर आप इसे बॉईल कर सकते हैं। सारे सोया चंक्स जो हैं आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गए हैं। ठीक है, अब इसका पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके हाथों से निचोड़ के भी इसका पानी को हम निकाल लेंगे, नहीं तो पानी रहेगा तो ये सॉगी हो जाएगा। थोड़ा सा सूखा सूखा चाहिए, क्योंकि फिलिंग हमारा फटे ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारा पानी को हम निकाल लेंगे, उसके हम ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे हम प्रेस करके दबा के इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। ठंडा होने के लिए आप इसे प्लेट में भी निकाल देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा जल्दी। ठीक है, सारे सोया चंक्स जो हैं वो हमारे
अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब थोड़ा सा अपना मैदा को देख लेते हैं रेस्ट पे, और उसमें थोड़ा सा ऑयल लेके हम फिर से इसे मसल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो गए हैं। जब तक फिलिंग हम रेडी करेंगे तब तक एक बार और इसे हम मसल लेंगे ऑयल डालकर, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे हम ढक देंगे और अपना फिलिंग को बनाने के चलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैदे को जितना मसल मसल कर गूंथा जाए वो उतना ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मैदे और आटे की जो गुथाई है दोनों डिफरेंट है। मैदे को हम स्ट्रेच करके गूंथते हैं और आटे को हम थोड़ा सा दबा दबा के, आप देख सकते हैं हमने सोया चंक्स को एकदम ठंडा कर लिया है, उसके पानी को भी निचोड़ के हमने सुखा लिया है। अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब चलते हैं इसे सौते करने की प्रोसेस में। कढ़ाई को हम ले लेते हैं, कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ी देर के बाद ऑयल में हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक को, ठीक है, उसे हम अच्छे से भून लेंगे। और गार्लिक को हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे जिससे इसे कच्चापन चला जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च को, हरी मिर्च को भी हम पतला पतला छोटा छोटा ही काटेंगे, ज़्यादा बड़ा इसका साइज ना करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन को, ठीक है, प्याज को भी हम एकदम छोटा छोटा ही चॉप करेंगे, ज़्यादा बड़ा इसे हमें नहीं करना है। सबको अच्छे से मिला लेंगे, किसी को भी हमें ब्राउन नहीं करना है, ठीक है ना, कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा बस इसका कच्चापन चला जाए बस उतना ही इसे हमें भूनना है। उसके बाद हम इसमें अपना चंक्स डाल देंगे, सोया चंक्स जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना उसे हम अच्छे से डाल के मिला लेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर ही चलाएंगे, ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, पहले भी हमने नमक डाला हुआ है सोयाबीन में तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च, सोया सॉस, उसके बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे, उसे अच्छे से हम मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठीक है, जो हमारा फिलिंग है उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमारा फिलिंग तैयार है, अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। उसे हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं, ठीक है, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लोई ले सकते हैं, लेकिन सीट को हमेशा पतला ही बेलें, ठीक है। सीट को जितना पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया और ट्रांसपेरेंट आपका मोमोज बनेगा। हमें यह थोड़ा सा बड़ा लोई लिया है क्योंकि हमें इसमें फूल का डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा सीट लिए हैं। आप नॉर्मल मोमोज अगर बनाते हैं तो उसमें आप छोटा सीट ले सकते हैं, छोटा लोई ले सकते हैं। इसी तरह करके मैं थोड़े से और सीट बना के आपको दिखा देती हूँ। हमें लोई लेना है, ज़्यादा आटा इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, एक बार डिप कर लिए उसके बाद इसमें हमें आटा का यूज़ नहीं करना है। इसे हम अच्छे से किनारे से दबा दबा कर पतला बेल लेंगे, इसमें हमें मोटा बिल्कुल ही नहीं करना है। सीट हमारा पतला जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया हमारा मोमोज बनेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा सीट बन गया है। अब चलते हैं फिलिंग के प्रोसेस में। सीट को आप ऐसे लें और फिलिंग को आप मिडिल में डालें, ठीक है। मिडिल में डालने से क्या करेंगे, उसके बाद आपको जितना चाहे उतना फिलिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिलिंग को हमेशा मिडिल में ही डालें, उसके बाद आप इसे साइड से दबाते हुए 5 साइड्स को इसे हम दबा के ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अपना शेप देंगे, आप देख सकते हैं शेप हमारा कितना सुंदर बन रहा है। इसी तरीके से हम सारे मोमोज को शेप देंगे। ये हमारा सुंदर सा फ्लावर रेडी है, इसे हम सारे मोमोज को हम इसी तरह से शेप देंगे और सुंदर सा फूल बना लेंगे, ठीक है। ये मोमोज खाने और देखने में दोनों में बहुत ही टेस्टी और सुंदर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरह करके धीरे धीरे करके हम सारे पंखुड़ियों को बनाएंगे और मोमोज को हम डेकोरेट करेंगे। हमारा मोमोज का फ्लावर जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सारे मोमोज हमने सेप बना लिया है, अब चलिए इसे हम स्टीम करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसका कलर तो एकदम लाजवाब है, ठीक है। हमारा ये लाइट कलर का लाइट पिंक फूल जो है वो बिल्कुल रेडी है स्टीम करने के लिए, तो चलिए स्टीम करना
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीमर को मैंने पहले ही हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम इडली वाला जो फर्मा है ना, उसी में मैं इसे स्टीम करूँगी। सारे में थोड़ा सा ऑयल लगा ले, उसके बाद अपने फूलों को इसमें डाल देंगे। मोमोज वाले जितने मेरे फूल हैं ना, इसमें हम डालेंगे। पहले तो हम चार ही डालते हैं क्योंकि इसमें चार ही स्पेस है। उसके बाद इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। इसे हम ढक देते हैं और वेट करते हैं 10 से 15 मिनट। आप देख सकते हैं हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है, हमारा स्टीम्ड फ्लावर मोमोज बिल्कुल रेडी है। ये कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम लाजवाब है। हम दूसरा बैच भी इसमें डाल देते हैं। दूसरा बैच भी हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुंह से पहले आँखें ही इसे हम खाते हैं, ठीक है। आँखों से पहले जो खूबसूरत दिखता है ना, उसी से हमारा मन पहले ही भर जाता है। अब इसे सर्व करते हैं। आप अपने फूलों को अपने हिसाब से सजा सकते हैं। हमारे जो फ्लावर मोमोज है ना, वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी और लाल चटनी या सॉस के साथ, आपको जिससे पसंद हो। ये कितना ही लाजवाब लग रहा है, आप देख सकते हैं। खाने में तो ये काफ़ी टेस्टी है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोनों मिलके इसे हम टेस्ट करते हैं। ये कितना ही टेस्टी है, इसे खाने के बाद ही पता चलेगा। आपको जो भी चटनी पसंद हो, आप इसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए, इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।